हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र गर्ग फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया प्रोडक्ट। ये आपकी कोरट की पावर सप्लाई है, KA3005D। इसको मैंने अनबॉक्स कर चुका हूँ। अगर हम इसके वेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 kg होगा और 30 वोल्ट 5 एम्पियर की सप्लाई है। काफी हाई क्वालिटी सप्लाई ये मानी जाती है। इसमें पीछे पूरा SMPS दे रखा है, फैन वगैरह सब दे रखा है, आप देख सकते हैं। मैं इसको ऑन करता हूं। ये मैंने ऑन किया। इसमें मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूं। पीछे से पावर कॉर्ड लगाई, ये सबसे पहले इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसके थ्रू हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये आपका वोल्टेज है और ये आपके एम्पियर्स हैं। इनको कैसे सेट किया जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। आप वोल्टेज करंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बटन को प्रेस करेंगे, बटन ब्लिंक करना शुरू हो गया है। अगर हमने ये वाला नहीं करना, नेक्स्ट करना है, तो ऐसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट दबाएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर जाता रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको वोल्टेज सेट करनी है, तो हम वोल्टेज पे आ गए और इस तरीके से हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 5 वोल्ट सेट कर दी इस पर, और अगर हमने जो से डिजिट पे जाना है, मान लीजिए आपको इस डिजिट पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है या इस पे जाना है, तो वोल्टेज करंट दबा के आप ये एरो के जो निशान है उसके थ्रू नेक्स्ट डिजिट प्रीवियस डिजिट इस पे आप जा सकते हैं। जैसे आपको एम्पियर्स अगर 5 करने हैं, 1 करना है, 2 करने हैं, और उसके अगले आपको इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम सेट कर देते हैं, 5 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया। ये आप देख सकते हैं 5 वोल्ट पे हम इसको 5.1 पे इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है मेमोरी बटन। मेमोरी बटन में क्या होता है कि हमें अलग अलग वोल्टेज चाहिए। जैसे हम M1 पे अगर जाते हैं तो हमने अलग अलग वोल्टेज सेट कर रखी हैं। यहाँ मेमोरी 1 पे अगर देखें हम, तो हमने सेट कर रखा है 0.5.10, 5 वोल्ट, 5.1 वोल्ट ये देगा अगर हम M1 दबाते हैं 2 एम्पियर। M2 दबाते हैं, हमने सेट कर रखा है 5.20, 3 एम्पियर। और अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो 15 वोल्ट, 3 एम्पियर। और M4 पे जाते हैं 30 वोल्ट 3 एम्पियर। ये अलग अलग सेट हैं। जैसे आप चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, कोई 5 वोल्ट या 3.7 वोल्ट रखना चाहते हैं। जैसे हम जाते हैं अभी M2 पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और M2 पे जाएंगे हम। M2 के बाद हम यहाँ पे वोल्टेज दबाएंगे। इसको मैं सेट कर देता हूँ वोल्टेज को आपकी 3.7 पे, 3.8 पे हम इसको सेट कर देते हैं। और एम्पियर्स को हम सेट कर देते हैं 2 एम्पियर्स पे हमने सेट कर दिया। और जो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं उसको हम मेमोरी 2 रख के मेमोरी 2 को प्रेस करेंगे। ये ऑटोमेटिकली मेमोरी 2 में सेव हो गया है। देखिए मेमोरी 3 में 15 है, मेमोरी 2 में 3.8 हो गया है। अब मेमोरी 3 में हम कर देते हैं, आपको दिखाते हैं। मान लीजिए मैं इस पे 10 वोल्ट सेट कर देता हूँ। वोल्टेज पे गए हम, 10 वोल्ट 3 एम्पियर ही रहने देते हैं, सेट कर दिया। और अब इसको हम मेमोरी 3 को दबाएंगे। देखिए आपका ये मेमोरी 3 में चला गया है। मेमोरी 4 को चेंज आप करना चाहते हैं, मेमोरी 4 दबाइए। यहाँ पे आप जो भी सेट करना है वो सेट कीजिए, 27 वोल्ट, 3 एम्पियर। उसके बाद मेमोरी 4 दबा दीजिए। ये देखिए 3 पे आके हम फिर वापसी 4 पे जाएंगे, वो सेट हो गया। तो ये फ्रेंड्स, ये मेमोरी का जो बटन है ये काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे आपको बैटरी की जगह ऑन करना है तो 3.7, 3.8 आप सेट कर लीजिए, और करना है 5 वोल्ट पे कर लीजिए, बैटरी बूस्ट करनी है तो 8 या 9 वोल्ट या उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और इसमें एक लॉक का फीचर दिया गया है। लॉक में क्या होता है कि जैसे हमने जहाँ पे सेट किया हुआ है कि कोई गलती से कुछ हिला ना दे या कुछ और ना कर दे, हैंडसेट बर्न ना हो जाए, जैसे 3.8 पे हमने सेट किया हुआ है, तो हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद कुछ भी काम नहीं करेगा। ये कोई गलती से कोई बटन दबा दे और कोई आपकी मेमोरी चेंज हो जाए, जहाँ पे हमने 3.8 वोल्ट देना है वहाँ 30 वोल्ट ना दिया जाए, तो इसलिए लॉक का फीचर आपको सेफ्टी पर्पज से दे रखा है। और अनलॉक भी आप इसको दबा के कर सकते हैं। मार्केट में 2 टाइप की पावर सप्लाई आती है, एक ऑटो कार्ड, एक नॉन ऑटो कार्ड। ये दोनों ही टाइप की पावर सप्लाई हम लोगों को जरूरत पड़ती है मोबाइल रिपेयरिंग में। तो इस मोबाइल के थ्रू आप दोनों ही टाइप की पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं। किस तरीके से मैं दिखाता हूँ। ये हम चले गए 5 वोल्ट 2 एम्पियर पे और हमने ऑन कर दिया। इस वक्त हमने ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन दोनों ऑफ कर दी, ये दोनों हमने ऑफ कर दी। तो अगर हम आप इसको शॉर्टिंग करेंगे, ये देखिए ये ऑफ नहीं हो रही है, पावर सप्लाई ऑटो कट नहीं हो रही है, ये नॉन ऑटो कट पे काम करेगी। अगर हमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या ओवर करंट प्रोटेक्शन चाहिए, हम इसको ऑन कर देते हैं, तो वापसी इसको ऑन कर दिया। अब हम जैसे ही इसको टच करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, ये देखिए।
ये कट हो गया। अभी हमने ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन किया था, जैसे वोल्टेज ऊपर हुई ये कट हो गया। उसके बाद हम दोबारा आपको चेक करा देते हैं। अब जैसे हमने दोनों ही ऑन कर दिया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑन कर दिया, और जैसे हम इसको टच करेंगे, देखिए टच करते के साथ ही बंद हो गया है। पहले थोड़े टाइम बाद बंद हुआ, ये टच करते ही बंद हो गया है। तो इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आप इस पावर सप्लाई को बाय करना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से बाय कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट का लिंक भी है, वहाँ से ही बाय कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, उस पर भी कॉल करके आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सभी रिपेयरर भाइयों के पास ये वीडियो जा सके। तो बाय बाय, अलविदा।